गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का अपना एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSTM एजुकेशन में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का जो सारणी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चैप्टर है। इसमें हम लोग 4.2 पढ़ रहे हैं, 4.1 पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आप इस सारणी के 4.2 हम लोग पढ़ रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज को नहीं देखे हैं तो आप MSTM एजुकेशन यूट्यूब पर सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं, तब जाकर के आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो हमने कुछ अगले वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न पढ़े थे, आज प्रश्न नंबर 7 तक पढ़े थे। आज हमें प्रश्न नंबर 8 के आगे वाले प्रश्न को हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8 से। तो जो प्रश्न नंबर 8 का पहला प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, एक सारणिक है और इसको इसके प्रगुण का प्रयोग करके हमें प्रूव करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसमें एक साइड को लेकर के हल करते हैं। तो यहां से ले लेते हैं LHS एंड लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि इसमें 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगुण है, उसका प्रयोग करके प्रूव करना है। या हमको आवश्यकता पड़े तो रो को रो में, एक रो को दूसरे रो में, या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में, या सभी कॉलम को सभी रो में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या नहीं होता, ये सारा चीज आपको बता दिया गया है। तो हम देखते हैं इसमें जितना अधिक हम किसी रो को या कॉलम को जीरो बना लेते हैं उसको हल करना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कितने जीरो बना सकते हैं, कितने नहीं बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका रो 1, रो 2, रो 3 यह दिया है क्रमशः एक एक है। अगर हम किसी एक रो में से दूसरे रो को हटाए तो आसानी से जीरो बना सकते हैं। तो हम यहाँ दो प्रगुण एक साथ लगा सकते हैं, यानी लिखेंगे हम रो यानी R1 tangens to R1 minus R2, यानी हम जो पहला रो यानी पहला पंक्ति है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन किस प्रकार का है ध्यान दीजिएगा, यानी पहले रो से दूसरे रो को घटाना है लेकिन लिखना है कहाँ, पहले ही पंक्ति में। और उसके साथ ही एक और लगा रहे हैं, वो है रो 2 tangens to रो 2 minus रो 3, देख रहे हैं यहाँ, यानी पहले और दूसरे पंक्ति में हम चेंज कर रहे हैं। किस प्रकार का चेंज है ये लिखना जरूरी होता है, उसको हमने लिखा। जब परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, नीचे देखिएगा, यानी रो 1 में से रो 2 हटाना है, देख रहे हैं आप, यानी 1 में से 1 घटाएंगे जीरो होगा, ए में से बी घटाएंगे आपको पता है ए माइनस बी होगा, और यहाँ अगर ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाते हैं तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट हम यही लिख लेते हैं, चाहे एक बार और लिख लेते हैं अगले स्टेप में प्रोसेस करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारा पहला लगा लिए, दूसरे कंडीशन को देखते हैं। आनी इस बार रो 2 आनी पंक्ति 2 में परिवर्तन करना है, क्या है तो रो 2 माइनस रो 3 आनी पंक्ति नंबर 2 में से पंक्ति नंबर 3 को घटा करके लिखना है पंक्ति नंबर 2 के स्थान में। देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा, b में से c घटाएंगे b माइनस c होगा, आनी b स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाएंगे तो ये होगा, घटेगा तो नहीं। अब हम रो 3 के लिए किसी प्रकार का प्रगुण नहीं लगाए हैं तो उसको सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा, यानी 1 माइनस 1 सी सी स्क्वायर। अब इसी को कुछ हल करते हैं, नीचे देखेंगे इसको हल करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको फॉर्मूला लगा लेंगे तो 0 ए माइनस बी, इसमें जब हम करेंगे तो ये हमारा वर्गांतर का नियम होता है, यानी सूत्र होता है, ये सब संख्याएं हैं, यानी एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए प्लस बी और सेकेंड में होता है ए माइनस बी, ठीक उसी प्रकार से दूसरे पंक्ति में भी दिख रहा है, इसमें भी लगा लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा बी माइनस सी, नीचे 1 सी सी स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं, आपको पता है हम इसमें से किसी रो या कॉलम से कोई भी फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आर वन में 0 है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी है, यानी 0 में हम कोई भी फैक्टर कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमको कह सकते हैं कि आर वन में ए माइनस बी नहीं है तो मान लीजिए कि है यहाँ, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, आर टू में बी माइनस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, जीरो में तो हर फैक्टर ही होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि आर वन से, लिखिएगा आर वन से ए माइनस बी तथा आर टू से बी माइनस सी उभय लिस्ट लेने पर,
उभयनिष्ठ लेने पर, जब लेंगे तो देखेंगे इधर हम देख रहे हैं ऊपर दिखेगा, जब ले लेंगे तो देखिए जीरो जब कॉमन कर लेंगे, यहां हम कॉमन कर रहे हैं रो वन से ए माइनस बी, देखिए यहां ये यह हमारा रो है तो ये जीरो है, जीरो में तो हर कॉमन होता है तो जीरो ही होगा, यहां ध्यान दीजिएगा जीरो हो जाएगा। अब यहां से a माइनस बी कॉमन कर लिए तो कुछ नहीं बचता, वहां वन फैक्टर होता है, यहां से आप कॉमन कर लेंगे a माइनस बी तो क्या बचेगा, तो यहां बचेगा a प्लस बी बचेगा। चलिए r2 से भी लेना है तो हम ले लेंगे यहां से, तो ये थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, a माइनस बी है यह हो जाएगा b माइनस सी, दोनों लेना था। अब लेंगे तो यहां जीरो बचेगा, यहां वन बचेगा और यहां आपका बचेगा b प्लस सी, और यहां बचेगा वन और यहां बचेगा आपका सी और सी स्क्वायर। अब देखिए हम आसानी से दो जीरो बना लिए हैं, तीसरा जीरो बनना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे डायरेक्ट प्रसार कर देंगे, एक को तो प्रसार करना है, दो जीरो बन गया है। तो चूंकि देखिए यह हमारा कॉलम वन कॉलम टू है तो लिखेंगे सी वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो प्रसार करेंगे तो देखिए यह हमारा a माइनस बी और b माइनस सी तो ऑलरेडी है, तो हम C1 के सापेक्ष जीरो जीरो है तो उसको प्रसार करने से कोई मतलब है नहीं, जो आपका है उसी के सापेक्ष करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस का सिंबल चलता है, एक लेंगे तो एक के सापेक्ष प्रसार करना है, जिसके सापेक्ष करना है तो आपको पता है कि वह पंक्ति और स्तंभ पूरा खत्म हो जाता है यानी उसको नहीं ले जाता है, तो आपको ये चारों एलिमेंट बचेंगे तो इनको लिख लेते हैं वन ए प्लस बी वन बी माइनस सी, सॉरी प्लस है। अब देखिए आगे लिखेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी, आपको पता है कि द्वितीय कोट की सारणी को कैसे हल किया जाता है, तो उसके विकर्ण का गुणनफल का अंतर निकाला जाता है, तो देखिए यहाँ विकर्ण का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी, सूत्र का माइनस होता है जब गुणा करेंगे माइनस से, तो ये माइनस वन और माइनस बी, क्योंकि सूत्र में यहाँ माइनस रहेगा, दोनों से गुणा करेंगे तो सिर बदल जाएगा, यानी बी से बी कैंसिल हो जाएगा। आपने देखा यहाँ हमें प्राप्त हुआ ए माइनस बी बी माइनस सी और यहाँ सी माइनस ए, यानी हमको जो एलिजेंस था उसके बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं सो एल एच एल एच एस बराबर आर एच एस, हमें यही प्रूव करना था। तो हमने देखा अगर यहाँ कॉलम था तो हमने कॉलम में लगाया, रो था तो रो में दिखाया, अगर हमारा ये कॉलम में होता तो ये प्रगुण कॉलम में लगता, हम जैसे भी परिस्थिति हो आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग काम करता है कि नहीं हमें ये लगा कर करना चाहिए ये सही है तो वह भी आपका मेथड सही है, अलग अलग मेथड हो सकता है, बस आपको कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप ये समझ में आया होगा, यहाँ से पांच नंबर का प्रश्न पेपर में बनता ही बनता है, तो आप इसे नोट करें देखें और तब आगे सवाल बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 8 में दो प्रश्न थे, हमने एक बना दिया, आप एक अपने तरह से करिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है, तो एक सारणी है उसको हल करके लाना है, एक्स माइनस वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। हमें उम्मीद है बस आप एक एक पॉइंट को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, आप रिलैक्स से एकांत में बैठ करके देखिए, कापी पेन लेकर के बैठिए, जहां समझ में ना आए उस प्रगुण को अपने तरीके से हल करिए, हमें उम्मीद है आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं इसमें हम अभी कोई जीरो नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम हल करते हैं। देखिए इसमें भी हम सेम प्रगुण लगाएंगे जो अगले में लगाए थे, तो लिखेंगे यहाँ आर वन टेंगेंस टू आर वन माइनस आर टू तथा आर टू टेंगेंस टू आर टू माइनस आर थ्री, बस देखिएगा आपको समझ में आएगा। चलिए लगाते हैं, एक्स में से वाई घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई, यहां घटाओगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां घटाओगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए वही प्रगुण यहां लगाते हैं दूसरे के लिए, तो हो जाएगा वाई माइनस जेड और यहां करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर,
यहाँ करेंगे तो हो जाएगा जेड एक्स माइनस वाई एक्स वाई। नीचे आने तीसरे रो में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ये तो हमने प्रगुण लगा दिया, अब देखते हैं आगे इसको हल करते हैं तो क्या होता है। तो एक लाइन यहां हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये तो वैसे ही सेम रहेगा x माइनस वाई। देखिए यहां अगले प्रश्न में भी वर्गांतर का नियम लगाए थे, पुनः एक बार वर्गांतर का नियम लगाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहां देखिए यहां वर्गांतर तो नहीं है लेकिन एक यहां हमारा कॉमन फैक्टर है यानी वो निष्ठ गुणखंड है तो यहां से हम कॉमन कर लेते हैं। कितना कॉमन करेंगे देखिएगा ध्यान से, तो यहां दोनों में जेड है चूंकि एक्स वाई के टर्म में है तो यहां जेड कॉमन करेंगे तो वाई माइनस एक्स के रूप में हो जाएगा, तो यहां से माइनस जेड कॉमन करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन करेंगे, माइनस जेड कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। आप कॉमन करके देख लीजिएगा आपको इतना ही मिलेगा। वही काम इधर करते हैं, वाई माइनस जेड हो गया, वाई माइनस जेड यहां आप देख रहे हैं, यहां सूत्र करेंगे तो हो जाएगा वाई प्लस जेड, यहां हो जाएगा वाई माइनस जेड। उसी तरह से यहां आप माइनस एक्स कॉमन करिएगा तो आपको मिलेंगे वाई माइनस जेड। नीचे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा एक्स वाई। अब जैसे हमने अगले प्रश्न में उभयनिष्ठ लिया, आप इस प्रश्न में भी उभयनिष्ठ ले लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। यदि हम लिखेंगे यहां आर वन से एक्स माइनस वाई तथा आर टू से वाई माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर चलिए देखते हैं लेते हैं तो क्या होता है। नीचे लिखिएगा, देखिए इसमें से कॉमन करेंगे तो हमें लेना है x माइनस वाई आर वन से और आर टू से लेना है y माइनस जेड। तो देखिए नीचे आर वन से ले लेते हैं तो यहां बचेगा एक, यहां क्या बचेगा आपको पता है, जल्दी बोलिए, बचेगा यहां x प्लस वाई और यहां बचेगा माइनस जेड। चलिए यहां देखेंगे, यहां बचेगा वन और यहां क्या बचेगा एक्स प्लस जेड बचेगा और यहां बचेगा माइनस एक्स। यहां चलिए जेड हो जाएगा और यहां क्या बचेगा जेड स्क्वायर और यहां बचेगा एक्स वाई। आपने यहां देखा, पुनः हम एक और काम करते हैं, यहां इसको जीरो बना लेते हैं। जीरो बनाएंगे तो आगे हल करने में काफी हमें मदद मिलेगी। तो देखिए यहां प्रगुण लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से, प्रगुण लगाएंगे तो यहां लिखेंगे वही आर वन टेंगेंस टू आर वन माइनस आर टू, बस एक प्रगुण लगा रहे हैं। इस चीज को हम यहां ऊपर लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आएगा, बस एक एक पॉइंट को देखिएगा। अब यहां से ऊपर देखेंगे तो इसमें से हमें घटाना है तो ये तो रहेगा आपका एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो क्या बचेगा प्रगुण लगा देंगे तो, प्रगुण लगाए आर वन में से आर टू घटाने के लिए तो जीरो हो जाएगा। चलिए जीरो बना देते हैं। अब आगे देखिएगा, जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये क्या होगा आपका एक्स से एक्स घट जाएगा, एक्स से एक्स घट जाएगा तो क्या बचेगा वाई माइनस जेड बचेगा, वाई माइनस जेड बचेगा। यहां घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो बचेगा जेड माइनस एक्स बचेगा, जेड माइनस आपको एक्स ही मिलेगा। देखिए यहां गड़बड़ हो गया है, ये जो पॉइंट है हमारा ये जो देख रहे हैं ये जेड एक्स माइनस जेड नहीं रहेगा क्योंकि यह आर टू है, आर टू में से हम कॉमन करेंगे किए हैं यहां वाई माइनस जेड तो वाई माइनस जेड कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा वाई प्लस जेड, यहां वाई रहेगा। देख लीजिएगा एक बार, अब चलते हैं, जब घटाएंगे तो y में से y घट जाएगा, यहां बचेगा आपका x माइनस जेड बचेगा, x माइनस क्या बचेगा जेड। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, आगे चलते हैं। ये दोनों उसी तरह से निकलेंगे, वन y प्लस जेड रहेगा यहां और यहां माइनस एक्स और नीचे जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। चलिए यहां लिख सकते हैं, हम ऊपर वाले में देख रहे हैं यहां से लिख सकते हैं आर वन से जेड माइनस एक्स
जेड माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, चलिए लेते हैं आर टू, आर आर वन से लेना है, आर वन मेरा यही है, तो आप देखेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और क्या लेना है अब जेड माइनस एक्स। चलिए आपको पता है कि जीरो में हर एलिमेंट आपका उभयनिष्ठ होता है तो जीरो ही रहेगा, हम लिए हैं और जेड माइनस एक्स, ये है एक्स माइनस जेड, तो माइनस वन हो जाएगा, चूंकि उल्टा है तो कॉमन कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ जेड माइनस वन है तो वन हो जाएगा। नीचे हर चीज लिख लेते हैं, वन प्लस जेड माइनस एक्स, और यहाँ जेड, जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स वाई। देखिए यहाँ और एक हम जीरो बना सकते हैं, तो बना सकते हैं तो बना लीजिए ताकि आगे हल करने में कोई समस्या ना हो, तो यहाँ लिखेंगे C2 टेंगेंस टू C2 प्लस C3, C3 रहेगा यहाँ, तो हमारा ये C2 है, ये C3 है, तो इधर हम जो है उसको लिखते ही रहेंगे जब तक कि हमारा प्रूफ ना हो जाए जेड माइनस एक्स। चलिए जोड़ते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जब इसको जोड़ेंगे तो वन माइनस एक में एक जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब चलिए यहाँ ये है वन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई। अब इसको हल करते हैं, अब हल करेंगे दो जीरो बना लिए, अब यहाँ से आसानी से आपको समझ में आएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ हम लोग लिखेंगे आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए आर वन के सापेक्ष करते हैं, तो ये तो हमारा रहेगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। चलिए प्रसार करते हैं, तो ये जीरो जीरो को लेने से मतलब है नहीं, प्लस माइनस प्लस चलेंगे तो प्लस एक लेंगे, आपको पता है कि जब ये लेंगे तो ये पूरा कॉलम और ये पूरा स्तंभ हमारा, सॉरी ये हमारा पंक्ति और ये हमारा स्तंभ खत्म हो जाएगा, बचेगा यही, लिख लेते हैं वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ बचेगा आपका जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, हल करिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कहता है, जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, तो गुणा करिएगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। चलिए इसे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स वाई ही होगा, क्या होगा एक्स वाई ही होगा। अब चलिए जब इससे हम गुणा करेंगे तो माइनस बीच में लगाते हैं, चूंकि माइनस जेड से गुणा करना है तो माइनस जेड से गुणा करेंगे तो माइनस जेड एक्स, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाई जेड, और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर हो गया, तो हमारा यहाँ सॉरी ये प्लस ही रहेगा, प्रगुण में प्लस है यहाँ तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी हमारा प्लस ही होगा। अब ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर हमारा कट जाएगा, अब देखिए हमारा रिजल्ट आ गया, जो हमारा सिद्ध करना है हम लोग वो सिद्ध हो गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, और जब ये जेड से जेड कट गया तो क्या बचा एक्स वाई माइनस, थोड़ा सा क्रम में कर देंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, या हम लिख सकते हैं सो एल एच एस बराबर आर एच एस। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर लिए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप बस ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए, सवाल थोड़ा सा कठिन है, सवाल को हल करने में लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, बट परीक्षा में आपको करना ही पड़ेगा, तो आप इसको एक एक पॉइंट को देखिए, एक एक प्रगुण को लगाइए, आपको जरूर समझ में आएगा, समझ में नहीं आए तो जहाँ प्रगुण हमने लगाया है उसको रफ वर्क करके देख लीजिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा, तो आप इस प्रश्न को नोट करिए। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 का पहला, सारणी कितने को हल करके हमें प्रूव करना है 5x+4 इंटू 4-x^2, इसको हमें हल करके प्रूव करना है। आप देख रहे हैं लगातार हम हमेशा LHS को लेकर हल कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे LHS को ही लेंगे, हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हम ही देख रहे हैं कि हम 5x+4 सिद्ध करना है, तो अगर हम
क्रमशः कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री को जोड़ते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा। अगर इसको जोड़ते हैं देखिए, टू एक्स, टू एक्स, फोर एक्स, फोर एक्स और एक्स मिलकर फाइव एक्स हो जाएगा, और फोर है ये है, यानी क्रमशः तीनों पंक्तियों में हम अगर देखेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। तो हम जो सिद्ध करना होता है उसी को टारगेट भी बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे C1 tangens to C1 plus C2 plus C3, यानी लिखना है तो C1 की जगह पर, यानी हमारा ये C1, C2, C3, लेकिन तीनों को जोड़ के लिखना है। तो बस ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2x, 2x, 4x और ये x 5x हो जाएगा, और प्लस 4। ठीक उसी प्रकार इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा उतना ही प्राप्त होगा, 5x प्लस 4। इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगा, 5x प्लस 4। आपने देखा हमने केवल C1 के लिए लगाया है, तो C2 और C3 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो हो जाएगा 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। और देख रहे हैं कि हमारा लिखेंगे यहाँ C1 से 5x प्लस 4 उभय निष्ठ लेने पर, चलिए लेते हैं, जब उभय निष्ठ ले लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखिएगा, यानी 5x प्लस 4 हमने कॉमन कर लिया। तो पता है कि जब कॉमन कर लिया तो हमारा एक बचेगा 2x, 2x, यहाँ 1x प्लस 4, 2x, 5x प्लस 4 और यहाँ 2x, x प्लस 4। चलिए हमने यहाँ देखा ये बचा। अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं कि एक प्रमूल लगा करके जीरो बना लेते हैं आसानी से, यानी लिखेंगे यहाँ C1 tangens, प्रमूल लगाते हैं हम लोग, तो लिखेंगे C1 tangens, बल्कि प्रमूल हम लोग ये लगाते हैं, R1 लगाते हैं, R1 tangens R1 माइनस R2, बस एक ही प्रमूल लगाइए आपका आसानी से दो जीरो बन जाएंगे। तो R1 यानी R1 आपका ये है, R2 ये है, R1 में से R2 घटाना है लेकिन लिखना है R1 की जगह पर। तो हम इधर देखेंगे, बस आप देखिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ 5x प्लस 4 जो पहले से था। अब प्रमूल लगाए हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रमूल लगा है R1 में, यानी एक में से एक घटाएंगे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। 2x में से हमें घटाना है ये, तो जब 2x में से x घटाएंगे तो x होगा माइनस 4 होगा, यानी घटा कर देखिएगा x माइनस 4 आएगा। आप रफ वर्क कर सकते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो x माइनस 4 ही आएगा, 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए अब देख रहे हैं कि प्रमूल केवल R1 में था, R2 और R3 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो लिख लेते हैं टोटल सीज इसका, तो 1, तो 1 हो जाएगा, x प्लस 4, x प्लस 4 हो जाएगा और 2x, चलिए हो गया। यहाँ है 5x, 5x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। चलिए अब हम दो जीरो बना लिए हैं R1 में, तो एक ही के सापेक्ष प्रसार करना होगा। तो बस हम लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए प्रसार करते हैं। तो इस बार प्रसार करते समय ध्यान दीजिएगा एक बात कि यह 5x प्लस 4 तो हो गया है लेकिन 0 है, तो इसको प्रसार करेंगे नहीं, प्लस माइनस का चिन्ह चलता है। तो जब माइनस का चिन्ह चलता है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह चलता है दूसरा माइनस होता है, इसलिए यहां माइनस होगा तो माइनस पहले लगा लेते हैं, आपको पता है क्या माइनस होगा, तो अब लिख लेते हैं क्या, x माइनस फोर। देखिए जो माइनस हो रहा था क्योंकि चलता है चिन्ह हमारा प्लस, माइनस प्लस, दूसरे को भी लिख लेंगे तो उसके साथ माइनस भी आएगा, तो उस माइनस को हम पहले लिख लिए, बीच में नहीं लिखे, नहीं तो अंतर पड़ जाएगा, अगर थोड़ा चीज हो जाएगा। अब जब लेंगे देखिए, आपको पता है कि जो लेते हैं वो पूरी पंक्ति खत्म हो जाती है और वो पूरा स्तंभ खत्म हो जाता है और हमें अन्य चार अवयव मिलते हैं। वो क्या मिल रहे हैं आप देख ही रहे हैं, मिल रहा है 1, इधर मिल रहा है 2x, यहाँ मिल रहा है 5x प्लस 4 और यहाँ मिल रहा है x प्लस 4। चलिए इसको आगे प्रोसेस करते हैं, हल करते हैं, तो क्या होगा 5x प्लस 4
एक्स माइनस फोर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स से कम है एक्स और प्लस फोर में गुणा करेंगे तो फोर हो जाएगा। सूत्र का माइनस होता है साथ ही माइनस से गुणा करना है इसमें तो गुणा करिएगा देखिए क्या होगा जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दो पचे दस क्या हो जाएगा दस हो जाएगा दस हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से गुणा कर लेंगे हम लोग दस हो जाएगा दस एक्स स्क्वायर और माइनस आठ एक्स कहीं हम लोग कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ जो हम लोग यहाँ सी वन कॉमन किए हैं तो ये आपका क्या हुआ है सब में फाइव प्लस फाइव एक्स प्लस फोर है और कॉमन किया गया है देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया है इसको सुधार लेते हैं थोड़ा सा हम लोग आप देख लीजिएगा समझ सकते हैं इसको आपको समझ में आया होगा यहाँ एक रहेगा और जब लगाएंगे प्रभुर तो यहाँ भी हो जाएगा एक ही अब सुधर गया। अब देखिए ये जब गुणा करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा इसमें गुणा कर लिए है एक्स प्लस फोर हो गया इसका जब बाई क्रॉस करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब आगे देखिएगा फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस फोर। अब इस माइनस से अगर केवल इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट वाले में तो देखिए क्या होगा ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस फोर और इसमें जब पूरा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फाइव एक्स प्लस फोर ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर का होल वर्ग क्योंकि हमें प्रूव करना है फोर माइनस एक्स का स्क्वायर वर्ग यहाँ आया है। तो एक चीज नोट याद रखिएगा हमेशा कभी भी a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है b माइनस ए के होल वर्ग के बराबर जब बराबर होता है तो यहाँ x माइनस फोर हो और चाहे फोर माइनस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिख सकते हैं अतः फाइव एक्स प्लस फोर फोर माइनस एक्स का होल वर्ग सो एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए यह एक पॉइंट हम गड़बड़ कर दिए थे यहाँ कॉमन करते समय उसको आप सुधार लीजिएगा उसके बाद आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। तो इस प्रश्न को देखिए ये कई बार पेपर में आया है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही आगे के जो प्रश्न है जो शेष प्रश्न इस एक्सरसाइज से बच रहे हैं उसको अगले वीडियो में हल किया जाएगा क्योंकि यह प्रश्न जो प्रश्नावली एक्सरसाइज है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए आपको एक एक पॉइंट बताया जा रहा है ज़्यादा सवाल नहीं बताया जाता है जबकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी आप बोर होने लगेंगे तो छोटे छोटे पार्टों में इन वीडियो को बनाया जा रहा है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं इसके लिए धन्यवाद और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए और अभी तक इस हमारे एमएसटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको सभी क्लास की वीडियो नियमित समय से आपको मिलती रहेंगी। आप घर बैठे सारे क्लास को ज्वाइन करके पढ़ते रहिए आनंद लेते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।